अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका हूं कार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। इस वक्त हम मौजूद हैं पंकज अवारा जी के साथ, जो कि आम आदमी पार्टी से कैंडिडेट है और आने वाले विधानसभा चुनावों में नोएडा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। सर, आज हम जानना चाहेंगे, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारी टीम के साथ हमारे हूं कार न्यूज में। हम जानना चाहेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए आपकी क्या तैयारी है। जैसा कि केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता से प्यार मिला है, उन्होंने एक बार फिर अपनी सरकार यहाँ पे बनाई है, उनका जो मॉडल रहा है, तो क्या इसी मॉडल पर आने वाले चुनाव में यूपी में भी आप जगह बना पाएंगे, केजरीवाल को उतना ही प्यार मिलेगा? नमस्कार। बिल्कुल, जो दिल्ली मॉडल है वो हम उत्तर प्रदेश में लागू करने का हमारा पूरा प्रयास है। लोगों को पता है दिल्ली के बारे में, बताने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में जो काम हुआ, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, या वो किसी भी मुद्दे को लेके आप बात करें, तो दिल्ली में बहुत तेजी से विकास हुआ है। और हम भी चाहते हैं जो हमारी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो उससे वंचित है, जो एक मूलभूत सुविधाओं से वो नहीं उनका लाभ ले पाती है, तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम लोगों के समक्ष जाएं और लोगों को आम आदमी पार्टी की नीतियों को बताएं। और उनसे हम गुजारिश यही करेंगे कि एक मौका आम आदमी पार्टी को भी उत्तर प्रदेश में वो लोग दें। सर, आप मूलभूत सुविधाएं की बात कर रहे हैं, जैसे कि बिजली पानी, इसी की तर्ज पर दिल्ली में चुनाव लड़ा गया और अपनी सत्ता भी जमाई आप लोगों ने, तो अब आपको ऐसा लगता है कि यूपी की जनता, जहाँ तक मेरा मानना है, यूपी की जनता चुनावों को लेकर ज्यादा सक्रिय है दिल्ली की तुलना, तो वहाँ की जनता इसी तर्ज पर बिजली पानी इन सुविधाओं के, सिर्फ इन सुविधाओं के बल पर आपको वोट देगी? बिजली पानी एक मुद्दा नहीं है यहाँ पे, बिजली हो पानी हो, शिक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पे, चिकित्सा का बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा यहाँ पे। और आप देखिए, रोजगार को लेके जो मोदी जी यहाँ सत्ता में आए, योगी जी आए, उन्होंने यहाँ पे लोगों से वादे किए, 15 लाख हर किसी के खाते में हुए। आप देख लीजिए किसके खाते में 15 लाख रुपए पहुंचे हैं। उन्होंने और भी बहुत सारे वादे किए कि हर साल हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। मुझे लगता है तब से लोग सत्ता में आए, 2 करोड़ लोग बेरोजगार हुए। तो हमारा जो उद्देश्य यही है कि लोगों को हम अवेयर करें। अभी लोगों को सिर्फ जाति और धर्म पे लोग बांट देते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं लोग और चुनाव को निकालते हैं, लेकिन अब जनता जागरूक हो चुकी है। जनता को जो फायदा होगा वो सिर्फ आम आदमी से होगा, और आम आदमी में बहुत लोग सक्रियता से काम कर रहे हैं और बहुत भारी संख्या में यहाँ पे लोग जुड़ रहे हैं। अभी हमने पिछले 2 महीने में एक बहुत सदस्यता अभियान चलाया, जिसमें लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया। लगभग हमारी नोएडा विधानसभा से 32,000 लोगों ने विश्वास जताया आम आदमी पार्टी में। हम पूरे गौतम बुद्ध नगर में बात करें तो लगभग 70 से 80 हज़ार लोग हमसे जुड़े हैं। तो कहीं ना कहीं लोग आम आदमी पार्टी को पसंद कर रहे हैं, और आगामी जो 2022 का चुनाव होगा वो मत के आधार पे लोगों को बताएंगे। ठीक है सर, आपका मेन फोकस किस तबके पर रहेगा, मेन फोकस क्या रहेगा, जनता से आपको संदेश देना चाहेंगे? मैं जनता से ये संदेश देना चाहूंगा, मैं सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि एक मौका आम आदमी पार्टी को दीजिए। मैं आपका बच्चा, आपका भाई, नोएडा से ही रहने वाला, जो यहाँ के जो अभी विधायक है, जनप्रतिनिधि लोगों ने चुने, जनता उनके पास तक नहीं पहुंच पाती, उनसे मिल नहीं पाती, उनका फोन नंबर नहीं है किसी के पास भी। तो जो जनता ने चुना है, कम से कम वो लोग जनता के बीच तो रहे, जनता की कितनी समस्याएं होती हैं। तो मेरा यही उद्देश्य है कि अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं आधी रात और अपने पूरा 24 घंटे जनता की सेवा में तत्पर रहूंगा। सर, आम आदमी पार्टी पहली बार यूपी में अपनी किस्मत आजमाने जा रही है, योगी जी काफी लंबे समय हो चुके हैं अपनी सत्ता में वहां है, तो क्या लगता है कि योगी जी की तुलना में आम आदमी पार्टी क्या बेहतर कर सकती है जो योगी जी ने नहीं किया और जनता आपको पसंद करेगी? योगी जी ने तो कुछ किया ही नहीं है, हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म से अलग अगर आप कुछ भी देखें, कोई भी विकास देखें, योगी जी ने कुछ नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ सरकार में हुए तो भ्रष्टाचार और घोटाले हुए, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे वो जल जीवन मिशन हो, कितने सारे हमारी आम आदमी पार्टी माननीय संजय सिंह जी ने उनके घोटाले उजागर किए हैं। आप देखिए, अगर पिछले 2 साल में किसी ने विपक्ष की भागीदारी यहाँ पे निभाई है उत्तर प्रदेश में, तो सिर्फ आम आदमी पार्टी ने निभाई है। उनके टाइम टाइम पे हम लोग उनके जो भी घोटाले हैं वो खोलते आए हैं और हमेशा खोलते रहेंगे, और हम जनता के साथ 24 घंटे काम कर रहेंगे। सर, एक मुद्दा महिला सुरक्षा का भी है, योगी जी, मोदी जी और तमाम नेता दावे करते हैं महिला सुरक्षा का, तो इस दावे में आम आदमी पार्टी कितनी सक्रिय है? आम आदमी पार्टी, आप दिल्ली में देखिए कितनी सक्रिय है, महिलाओं के लिए और महिलाओं बहनों के लिए उन्होंने यात्रा मुक्त की है, हर बस में एक मार्शल तैनात किया है उनकी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए। और उत्तर प्रदेश में आप देखिए, चाहे वो हाथरस कांड हो या कानपुर हो या उन्ना हो, कितने अभी यहाँ पे हादसे हुए हैं इसी सरकार में, जो महिलाओं के साथ एक हादसा होता है रात को 2 बजे
बेटी को जला दिया जाता है, उसके परिजनों को मिलने नहीं दिया जाता। तो ये अहम मुद्दे हैं, जनता को पता है कि शिक्षा या चिकित्सा या हम अगर देखें तो महिलाओं के भी जो इन्होंने जो सिक्योरिटी दी है कुछ इन्होंने नहीं किया है महिलाओं के लिए भी। तो हमारी आम आदमी पार्टी आती है, हमारा मेन विजन रहेगा कि हम जनता की सेवा करें, महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम अच्छा बंदोबस्त करेंगे। किस तरह से महिलाओं के लिए आम आदमी पार्टी काम करेगी कुछ बता सकते हैं? महिलाओं के लिए जो हमने दिल्ली में किया है, हमारी जो बस की यात्रा है, मेट्रो यात्रा है, वो मुफ्त होंगी। और हमारी जो माताएं बहनें हैं उनके माताओं के लिए हमारी दिल्ली सरकार में आप देखिए घूमने फिरने का उनका पूरा फ्री होता है, चाहे वो कहीं भी यात्रा पे जाएं, पूरा हम उनको फ्री मुहैया कराते हैं। और उत्तर प्रदेश में भी हम उनको इसी तरह से सुविधा देंगे। सर केजरीवाल जी ने हाल ही में यूपी में ये कहा था कि बिजली फ्री 300 यूनिट वहाँ पर करवाएंगे अगर सरकार बनती है, साथ ही किसानों के लिए भी उन्होंने बोला था कि बिजली बिल फ्री करेंगे, 300 यूनिट फ्री करेंगे। तो इस पर आपका क्या कहना है, किसानों के लिए आपका क्या रोल है? अगर हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है तो हमने दिल्ली में 200 यूनिट हमारी दिल्ली में आप देखिए जो हमने कहा है वो करके दिखाया है, यहाँ कोई जुमलेबाजी नहीं है। केजरीवाल जी तो गारंटी कार्ड देते हैं कि जो भी हमारी मैनिफेस्टो आप उठा लीजिए दिल्ली की सरकार का, जो भी उन्होंने मैनिफेस्टो में वादे किए हैं वो सारे 100% कंप्लीट किए हैं। उत्तर प्रदेश में भी हम पूरी स्टडी करने के बाद ही हमारे दावे हैं, हम लोगों को जो भी हम वादे कर रहे हैं वो 101% होगा। जैसे 300 यूनिट हमने कहा है कि हम हर घर को 300 यूनिट का लाभ मिलेगा, पुराने बकाया बिल माफ़ कर दिए जाएंगे, चाहे वो 1 लाख हो या 10 लाख हो, जो भी हो सबके माफ़ होंगे। किसानों को अभी क्या होता है, किसानों की जो ट्वेल्व वेल होती हैं, ट्वेल्व वेल जो लगी होती हैं उसमें 1,000 रुपये फिक्स होता है हमारा, वो भी फ्री रहेगा, किसानों की बिजली फ्री रहेगी। तो जो हमारे मुद्दे हैं, चाहे वो रोजगार हो, जो भी हमारी पार्टी मुद्दों पे बात करेगी, जो भी गारंटी देगी वो हम करके दिखाएंगे। तो ये जो फ्री वाला फॉर्मूला आपका है तो लगता है आपको काम आएगा यूपी में? क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। एक बात बताइए आप, जब विधायक मंत्री सांसद इन सब चीजों इन लोगों को फ्री की चीजें मिल सकती हैं, फ्री ये बिजली ले सकते हैं, फ्री घर ले सकते हैं, बंगला ले सकते हैं, क्या एक आम जनता जो चुन के इनको भेजती है उनको क्या फ्री का लेने का अधिकार नहीं है? और फ्री भी क्या, वो अपना हक ही तो ले रहे हैं, वो टैक्स देते हैं, हम लोग क्या है उसको भ्रष्ट ना करके उसको लोगों की सेवा में देते हैं। तो और कुछ नहीं है, जो भी हमारे बात है वो पूरे 100% हम लोग कंप्लीट करते हैं। चलिए धन्यवाद सर। तो सुना आपने जैसे कि पंकज जी का क्या कहना है आने वाले चुनावों के बारे में, किस तरह से वो लोग काम करेंगे, तो अब देखना होगा कि जनता उनको कितना प्यार देती है, उनको कितना सपोर्ट करती है। फिलहाल बस इतना ही, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।